दोस्तों, आज 9 मार्च और 9 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हाल ही में 28 फरवरी को मनाया गया। और ये सीवी रमन, इन्हें चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्म दिवस पर मनाया गया। और चंद्रशेखर वेंकट रमन एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी थे, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए आप, भारत में किस देश ने ब्रह्मास्त्र समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया? तो फिलीपींस। किसने किया? फिलीपींस। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। कब मनाया गया? 27 फरवरी को। और नेक्स्ट है, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम भार का उठाकर नंबर वन में स्थान प्राप्त किया? तो 65 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 65 किलोग्राम। और नेक्स्ट है, विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, गूगल ने लॉन्च किया। विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? गूगल ने। और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। ये एक अल्फाबेटिक कंपनी है। और गूगल के वर्तमान सीईओ कौन? दोस्तों, सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? बांग्लादेश में। किसने किया? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य में गुड़ महोत्सव का आयोजन हुआ? तो ये हुआ दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। नेक्स्ट है, किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला? ये दिल्ली में खुला। कहाँ पे खुला? दिल्ली। और नेक्स्ट है, पहला चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला? उत्तराखंड। चिकित्सा केंद्र कहाँ पे खुला? उत्तराखंड। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।